नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परफेक्ट मोबाइल सॉल्यूशन पर। दोस्तों मेरे पास ये जो हैंडसेट है इन्फिनिक्स ब्रांड का है, आप देख सकते हैं बैक साइड में नीचे की तरफ इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग है और दोस्तों मॉडल नंबर है इन्फिनिक्स स्मार्ट 5। ध्यान से सुन लीजिए, मॉडल नंबर है इन्फिनिक्स स्मार्ट 5, ओके। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 को अनलॉक करने का तरीका, यानी कि डिवाइस का पैटर्न लॉक, पिन लॉक और पासवर्ड लॉक रिमूव करने का सबसे इजी, सबसे सटीक तरीका। अब सिंपल दोस्तों, मैं यहां से स्वाइप करता हूं और आप देख सकते हैं ड्रा योर पैटर्न, डिवाइस हमारी पैटर्न लॉक है। तो दोस्तों अगर आप इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 यूज़ कर रहे हैं और आपकी डिवाइस पे किसी भी टाइप का लॉक लगा हुआ है, जैसे कि पैटर्न लॉक, पिन लॉक या पासवर्ड लॉक, किसी भी टाइप का लॉक अगर आपके इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 में लगा हुआ है तो आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद बहुत आसानी से घर बैठे बैठे आप अपने इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 को अनलॉक कर सकते हैं, डिवाइस का पैटर्न लॉक, पिन लॉक और पासवर्ड लॉक घर बैठे बैठे रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों आपने देखा डिवाइस हमारी पूरी तरह से पैटर्न लॉक है, ओके। अब दोस्तों इस डिवाइस को अनलॉक करने से पहले हम आ जाते हैं डिवाइस के राइट साइड में। डिवाइस के राइट साइड में आते हैं दोस्तों, तो यहाँ देखिए आपको तीन बटन्स देखने को मिलती है। सबसे ऊपर की तरफ देखिए वॉल्यूम अप है, उसके बाद वॉल्यूम डाउन और बिल्कुल नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको पावर अनलॉक बटन देखने को मिलती है, ओके। अब दोस्तों इस डिवाइस को अनलॉक करने का जो मेथड है, सबसे पहले वो मेथड इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, उसके बाद ये चीज मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, ओके। तो आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों डिवाइस को अनलॉक करने के लिए आपको इसे पूरी तरह से पावर ऑफ करना होगा, ओके। और जब आपकी डिवाइस पूरी तरह से पावर ऑफ हो जाए तो ध्यान से सुनिए आपको करना क्या है। आपको सिंपली करना यह है दोस्तों, ये जो पावर वाली बटन आप देख रहे हैं, आपको पावर बटन को सबसे पहले प्रेस करके रखना है नियर अबाउट 2 से 3 सेकंड तक, ओके। 2 से 3 सेकंड के बाद आप तुरंत वॉल्यूम अप वाली बटन को लगातार प्रेस करके रखेंगे, ओके। कुछ सेकंड वेट करेंगे तो आप देखेंगे आपकी डिवाइस ऑन होगी और आपके डिस्प्ले पे इन्फिनिक्स का लोगो दिखेगा। जैसे ही आपकी डिवाइस ऑन होगी और आपको इन्फिनिक्स का लोगो दिखेगा, आप तुरंत पावर ऑन से अपनी फिंगर हटा लेंगे, लेकिन वॉल्यूम अप वाली बटन को आप लगातार प्रेस करके रखेंगे, ओके। इतना करेंगे दोस्तों तो आप देखेंगे आपकी डिवाइस इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 पूरी तरह से रिकवरी मोड पे एक्टिव हो जाएगी, ओके। मुझे उम्मीद है मेथड आपको समझ में आ चुका होगा, तो चलिए अब ये चीज मैं प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं, ओके। तो यहां दोस्तों आपने देखा डिवाइस हमारी पूरी तरह से पैटर्न लॉक है, ओके। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको डिवाइस को पावर ऑफ करना है, तो आप सिंपल यहां पावर बटन को प्रेस करें और डिवाइस को पहले पूरी तरह से पावर ऑफ कर लें। तो मैं सिंपली यहां से डिवाइस को पावर ऑफ कर लेता हूं। ओके, डिवाइस हमारी पावर ऑफ हो गई। और अब इधर आते हैं दोस्तों डिवाइस के राइट साइड में। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि आपको सबसे पहले पावर बटन को प्रेस करके रखना है नियर अबाउट 2 से 3 सेकंड तक, ओके। उसके जस्ट बाद, यानी कि 2 से 3 सेकंड बाद आप तुरंत वॉल्यूम अप वाली बटन को प्रेस करके रखेंगे। तो चलिए अब ये चीज मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं। तो ये रहा पावर अनलॉक बटन दोस्तों। मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैं पावर अनलॉक बटन को प्रेस करके रखता हूं, ओके। 2 से 3 सेकंड बाद आप तुरंत वॉल्यूम अप वाली बटन को प्रेस करके रखेंगे। डिवाइस ऑन हुई, आप पावर ऑन से अपनी फिंगर हटा लेंगे, लेकिन वॉल्यूम अप को ऐसे ही प्रेस करके रखेंगे। तो ये देखिए फाइनली आपकी डिवाइस इतना करने के बाद रिकवरी मोड पे टोटली एक्टिव हो जाएगी, ओके। और अब आप अपनी फिंगर यहां से हटा सकते हैं। ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, जब आपकी डिवाइस इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 पूरी तरह से रिकवरी मोड पे एक्टिव होगी तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ लिख के आएगा XOS और नीचे की तरफ छोटा सा लिख के आएगा नो कमांड, ओके। तो डिवाइस हमारी रिकवरी मोड पे एक्टिव हो चुकी है, लेकिन दोस्तों रिकवरी के जो ऑप्शंस होते हैं, जो मेन्यू होते हैं, वो सारे मेन्यू यहां पे शो नहीं कर रहे हैं, ओके। तो वो कैसे शो करेगा वो मैं आपको बता देता हूं। आपको करना क्या है दोस्तों, ये जो पावर बटन है, पावर बटन को आपको लगातार प्रेस करके रखना है, ओके। और उसके बाद वॉल्यूम अप वाली बटन को जब आप एक बार प्रेस करेंगे तो रिकवरी के जो भी ऑप्शंस होते हैं, जो भी मेन्यू होते हैं, वो सारे ऑप्शंस यहां पे शो करने लगेंगे। चलिए मैं प्रैक्टिकली दिखा देता हूं। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि आपको पावर बटन को लगातार प्रेस करके रखना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, पावर बटन को मैंने लगातार प्रेस करके रखा हुआ है, ओके। और उसके बाद वॉल्यूम अप वाली बटन को मैं एक बार प्रेस करूंगा तो ये देखिए दोस्तों फाइनली रिकवरी के जो भी ऑप्शंस होते हैं, जो भी मेन्यू होते हैं, वो सारे मेन्यू यहां पे शो करने लगे, ओके। ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं दोस्तों येलो कलर का लिखा है एंड्रॉइड रिकवरी,
ओके तो अब चूंकि दोस्तों हमें यहाँ डिवाइस को अनलॉक करना है, डिवाइस का पैटर्न लॉक, पिन लॉक और पासवर्ड लॉक ब्रेक करना है, इसलिए हमें सिंपली जाना होगा वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट वाले ऑप्शन पे। तो बहुत आसान है, आप सिंपल यहाँ वॉल्यूम डाउन वाली बटन को लगातार प्रेस करते रहिए और प्रेस करते करते आप चले आएंगे वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट वाले ऑप्शन पे। तो ये देखिए दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट वाले ऑप्शन पे। ओके यहां पे आने के बाद आपको ओके करना होता है, तो ओके करने के लिए आपको सिंपल पावर बटन को प्रेस करना होगा। ठीक है तो चलिए मैं पावर बटन को एक बार प्रेस करता हूं। अब ये देखिए दोस्तों जैसे ही मैंने पावर बटन को प्रेस किया तो यहां पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, कैंसल और फैक्ट्री डेटा रीसेट। तो आपको करना क्या दोस्तों, अब आपको जाना है लास्ट वाले ऑप्शन पे यानी कि फैक्ट्री डेटा रीसेट वाले ऑप्शन पे। बहुत आसान है, आप सिंपल वॉल्यूम डाउन वाली बटन को एक बार प्रेस करें और आप चले आएंगे फैक्ट्री डेटा रीसेट वाले ऑप्शन पे। ओके यहां पे आने के बाद दोस्तों फिर से आपको ओके करना होगा, लेकिन एक मिनट दोस्तों, आप फैक्ट्री डेटा रीसेट पे आने के बाद ओके करने के लिए जैसे ही पावर बटन को प्रेस करेंगे यहां कुछ सेकंड वेट करने के बाद आपकी डिवाइस टोटली अनलॉक हो जाएगी। ओके लेकिन दोस्तों आपके डिवाइस में अगर कोई डेटा है जैसे कि म्यूजिक, कॉन्टेक्ट, वीडियोस, इमेज, आपने डिवाइस में कोई भी डेटा रखा हुआ है तो वो सारा का सारा डेटा आपका यहां पे डिलीट हो जाता है। ओके और एक चीज और बता दूं दोस्तों, डेटा बचाने का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है दोस्तों, अगर ऐसा कोई ऑप्शन होता तो इस वीडियो में मैं आपसे जरूर शेयर करता। ओके तो चूंकि दोस्तों हमें डिवाइस को अनलॉक करना है, डिवाइस का पैटर्न लॉक, पिन लॉक और पासवर्ड लॉक ब्रेक करना है, इसलिए हमें सिंपली यहां पे ओके करना होगा। और ओके करने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको पावर बटन को प्रेस करना होगा, तो चलिए हम पावर बटन को यहां एक बार प्रेस करते हैं। और ये देखिए दोस्तों जैसे ही मैंने पावर बटन को प्रेस किया तो यहां नीचे की तरफ आप देख सकते हैं प्रोसेस होने लगा, पहले लिख के आया फॉर्मेटिंग डेटा और फाइनली आपको लिख के आ जाएगा डेटा वाइप कंप्लीट। ये देखिए ये मैसेज आपको आ जाएगा डेटा वाइप कंप्लीट, और जैसे ये मैसेज आएगा दोस्तों आपकी डिवाइस फिर से रिकवरी मोड पे एक्टिव हो जाएगी। ओके तो यहां दोस्तों आपने देखा डेटा वाइप कंप्लीट का मैसेज आ गया और डिवाइस फिर से हमारी रिकवरी मोड पे एक्टिव हो चुकी है। ओके तो अब हमारे डिवाइस का वाइप डेटा कंप्लीट हो चुका है, डिवाइस हमारी अनलॉक हो चुकी है, तो अभी हमको करना क्या है, डिवाइस को रिबूट करना है। ओके ऊपर की तरफ देख सकते हैं लिखा है रिबूट सिस्टम नाउ, तो डिवाइस को रिबूट करने के लिए आप सिंपल यहां पावर बटन को एक बार प्रेस करेंगे। तो चलिए पावर बटन को मैं प्रेस करता हूं और ये देखिए दोस्तों जैसे ही मैंने पावर बटन को प्रेस किया तो आप देख सकते हैं हमारी डिवाइस इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 पूरी तरह से रिबूट हो गई यानी कि रिस्टार्ट हो गई। और अब आप वेट करिए डिवाइस को पूरी तरह से एक्टिव होने के लिए, चालू होने के लिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब आपकी डिवाइस इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 पूरी तरह से रिबूट होने के बाद एक्टिव होगी तो दोस्तों आप देखिएगा आपके डिस्प्ले पे पहले की तरह किसी भी टाइप का लॉक शो नहीं करेगा और आपकी डिवाइस इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 पूरी तरह से अनलॉक हो जाएगी, पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 को अनलॉक करने का तरीका यानी कि डिवाइस का पैटर्न लॉक, पिन लॉक और पासवर्ड लॉक रिमूव करने का सबसे इजी, सबसे सटीक तरीका। और मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि मेरी इस वीडियो को देखने के बाद बहुत आसानी से घर बैठे बैठे आप अपने इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 को अनलॉक कर पाएंगे, डिवाइस का पैटर्न लॉक, पिन लॉक और पासवर्ड लॉक बहुत आसानी से रिमूव कर पाएंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हमेशा की तरह आप अपना प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल के प्रति बनाए रखें। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों ये जो मेथड है इस मेथड को बोलते हैं हार्ड रीसेट, और जब भी आप डिवाइस को हार्ड रीसेट करके अनलॉक करते हैं तो डिवाइस एक्टिव होने में थोड़ा वक्त लगता है, तो आपको वेट करना है इसे पूरी तरह से एक्टिव होने तक। और ये देखिए दोस्तों फाइनली 1 से 2 मिनट हमने वेट किया, डिवाइस हमारी रिबूट हुई और रिबूट होकर डिवाइस हमारी पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। और दोस्तों आपको याद होगा मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आपकी डिवाइस रिबूट होने के बाद पूरी तरह से एक्टिव होगी ना
तो आपके डिस्प्ले पे पहले की तरह किसी भी टाइप का लॉक शो नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ डिस्प्ले पे पहले की तरह किसी भी टाइप का लॉक शो नहीं कर रहा है, यानी कि हमारी डिवाइस इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 पूरी तरह से अनलॉक हो चुकी है। चलिए मैं कंप्लीट सेटअप करके आपको दिखा देता हूँ। तो सेटअप करने के लिए आपको सिंपल स्टार्ट पे क्लिक करना है, ओके। यहाँ से आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, तो हमारी कंट्री इंडिया, तो हम यहाँ से इस लिस्ट में इंडिया है, इंडिया सेलेक्ट करेंगे, ओके। उसके बाद यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे, ओके। यहाँ से आपको स्किप करना है, ओके। वंस अगेन इस ऑप्शन को भी आपको स्किप करना है, ओके। ये देखिए यहाँ पे एक बॉक्स मिलता है, तो आपको सिंपल इस बॉक्स को चेक करके रखना है, ओके। उसके बाद आप यहाँ से नेक्स्ट कर दें, ओके। यहाँ से आपको मोर पे क्लिक करना है, एक्सेप्ट, ओके। ये देखिए सिक्योरिटी सेटिंग। तो यहाँ से दोस्तों आप चाहें तो अपने डिवाइस में पैटर्न, पिन, फेस या फिंगर लॉक यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ओके। फिलहाल के लिए मैं इस ऑप्शन को स्किप करूंगा। यहाँ नीचे की तरफ स्किप एनीवे लिखा हुआ है, मैं इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ से मैं ओके करूंगा, ठीक है। और ये देखिए फाइनली स्टार्ट, तो आपको सिंपल स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको कुछ 7 से 8 सेकंड वेट करना है, और उसके बाद आपकी डिवाइस पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगी। और ये देखिए दोस्तों, ये XOS जो कि बाय डिफॉल्ट लॉन्चर है, तो ये जब एक्टिव हो जाएगा तो आपकी डिवाइस आप देख सकते हैं पूरी तरह से अनलॉक हो गई, पूरी तरह से एक्टिव हो गई, ओके। ये देखिए दोस्तों, अब डिस्प्ले पे पहले की तरह किसी भी टाइप का लॉक शो नहीं कर रहा है, ओके। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये ट्रिक आपको कैसी लगी दोस्तों, प्लीज दोस्तों इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय मुझसे जरूर शेयर करिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं फिर से करूंगा, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज दोस्तों आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसे ही शानदार इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।